हाय, मकर संक्रांति आ गई है तो तिल के लड्डू तो बनाने ही पड़ेंगे। तो आज अपन बना रहे हैं तिल के लड्डू, जिसके लिए मैंने एक कटोरी तिल ये 2 कटोरी ये 3 कटोरी और ये थोड़ी सी ऊपर है। नाप के रेशो लेंगे तो गुड़ मिलाने में अच्छा रहेगा। इसको बहुत मध्य मध्य आंच में अपन सिकाई कर लेते हैं। इसको सिकने में अगर मध्य आंच पे सिकेंगे तो 8 से 10 मिनट लगेंगे एकदम सीम आंच पे, और तेज आंच पे सेकेंगे तो 6 से 7 मिनट तो नॉर्मल लगने ही है। इसकी अच्छे से सिकाई करते हैं अपन। तिल्ली अभी सिक रही है, टाइम लगता है मध्य आंच में, पर जितनी अच्छी सिकाई होगी ना लड्डू उतने अच्छे से बनेंगे। देखो 5 से 6 मिनट हो गए हैं, अभी 3 से 4 मिनट और सेकना पड़ेगी। तिल्ली अच्छे से अभी फूली नहीं है और ना अच्छे से मसला रही है, मतलब अभी कसर है उसमें। आवाज जरूर आ रही तड़ तड़ की, और इसकी सिकाई अच्छी करनी है। अपन और सेकते हैं इसको थोड़ी देर। अब ये अपनी तिल्ली बिल्कुल सिकने आ गई है, इसमें अच्छी सोंधी सोंधी खुशबू भी आ रही है और ये मसलने पे अच्छे से मसल रही है। आप इसको मसल के सूंघ के देखोगे तो एकदम बिल्कुल पक गई है। इसको मैं दूसरी थाली में निकाल लेती हूँ। अब इस तिल्ली से मैं ना 1 कटोरी के पीस के बनाने वाली हूँ लड्डू। ये 1 कटोरी तिल्ली मैं अलग कर रही हूँ इसके। इसको एक प्लेट में अलग निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई में डालते हैं अपन 1 छोटी चम्मच। डाल रही हूं मैं घी थोड़ा सा। कढ़ाई अभी अपनी गर्म है, मैंने गैस की फ्लेम बंद कर रखी है और इस कटोरी से मैं अपनी 2 सवा 2 कटोरी वो है तिल्ली, तो ये 1 कटोरी और एक थोड़ा सा गुड़ और डाल, 1/2 कटोरी। इसको अपन अच्छे से पिघला लेते हैं। गैस चालू कर देती हूँ। ढाई कटोरी तिल के साथ में 1/2 कटोरी गुड़ ले रही हूँ। ज्यादा मीठा खाते तो ज्यादा ले सकते हैं। और एकदम जरा सा पानी, इसको अपन पिघलने देते हैं। चाशनी अपनी पिघले, अपना ये गुड़ पिघल चुका है। अपने को बहुत कड़क नहीं बनाना है चाशनी, नहीं तो लड्डू एकदम बहुत कड़क बनेंगे।
अभी दे रहे हैं, बस 1 से 2 मिनट और करेंगे इसके ऊपर। इसको डाल के देखती हूँ मैं। भी नहीं हुई है, ये गोली बनने लगी है। एक बस 2 मिनट की और दे रहे, ये देखो। अब इसमें अपन जब तक तिल्ली मिला लेते हैं, तिल्ली मिलाएंगे जब तक और कड़क हो जाएगी। ये अपनी जो 2.5 कटोरी तिल्ली है ना, वो इसमें मिला लेते हैं। मैं गैस को कर रही हूं बंद, इसको पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। एकदम परफेक्ट रेशो से एकदम बढ़िया अपने तिल्ली और गुड़ सही रहेगा। इसको मैं नीचे उतार रही हूँ, ये नीचे रख लिया है। अपने को सिंपल रेसिपी है, आनी का हाथ लेना है और बस लड्डू बनाना है, बहुत आसानी से बन जाएंगे। अभी बहुत गर्म है, बहुत गर्म है अभी। इस तरीके से एक एक लड्डू बनाते जाना है और एकदम परफेक्ट बनेंगे ये। जितने अच्छे से आप आपके हाथ की सफाई से बना सकते हो एकदम बढ़िया लड्डू। इसी तरीके से बनाते जाते हैं। ये एक एक लड्डू अपने बना के पूरे बन गए हैं, खड़े तिल के लड्डू अपने बन के तैयार हो गए हैं। ये जो अपन ने 1 कटोरी तिल निकाले थे, इसके अपन पीस के लड्डू बनाएंगे। इसको मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ। ये कढ़ाई अपन वही वाली ले लेते हैं और ये डाल रहे हैं अपन थोड़ा सा घी, और अपनी ये वाली कटोरी थी, इस कटोरी भर के तिल्ली निकाली है। अब इसमें मैं करीब 1/2 कटोरी गुड़ ले रही हूँ, कम है, थोड़ा सा और लूंगी। इसको अपन पिघला लेते हैं। और ये इधर अपने तिल मैंने पीस लिए हैं, बस ये गुड़ की चास्ती अपन बना लेते हैं फटाफट।
इसमें एक जरा सा पानी डाल रही हूँ, एक छोटी चम्मच से भी। इसको पिघलाते हैं अपन, ये गुड़ की चाशनी अपनी ज्यादा कड़क नहीं करेंगे। इसको भी मैं पानी में डाल के देख लेती हूँ। देखो डालते ही गोली बन रही है। अभी अपन अपने तेल इसके अंदर डाल देते हैं, जो पीसे हुए तेल हैं ये इसके अंदर अपने डाल दिए। इसको मिक्स कर लेते हैं। गैस कर दिया मैंने बंद। और अब इसके अपन फटाफट लड्डू बना देते हैं। इसको उतार लेते हैं अपन। ये अपना ये बन गया। इसके लड्डू बना लेते हैं अपन फटाफट। छोटे छोटे पीसी तिल्ली के भी लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। इस तरीके से लड्डू बनाते हैं कि अपने पीसी तिल्ली के लड्डू भी थोड़े से गरम गरम में बनाए थे, अब अच्छे से शेप दे देते हैं अपन। इसको गोल गोल कर देते हैं। थोड़े से ठंडे हो गए, अच्छे बढ़िया बन गए हैं। इसको आप दबा के भी ऐसे भी बना सकते हो। ये पीसी वाली तिल्ली के एकदम बढ़िया लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। और ये लड्डू अपने खाली करते हैं अपन इनको। ये वाले लड्डू भी अपने बिल्कुल बनके तैयार हैं। एक एक लड्डू का शेप देखो, बिल्कुल बढ़िया। पीसी और खड़ी तिल्ली दोनों के लड्डू बनके तैयार है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।